ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का सादर अभिनंदन। कल मैंने आपको समास कार्य के बारे में बताया था और समास में समास की परिभाषा और समास के प्रकार। समास समास के छह प्रकार होते हैं और छह प्रकारों में पहला है अव्यभावी समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब इसमें मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बता रहा हूँ। तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, तो इसमें है उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः, उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। पहचान है इसकी, तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का लोप होता है इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उत्तर पद की प्रधानता होती है। देखो तत्पुरुष समास में जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में द्वितीय से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक का लोप होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इन विभक्तियों का लोप होता है और इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब इसके जैसे राज्ञ पुरुषः, राजपुरुष राज्ञ पुरुषः इति राजपुरुषः। तो देखो राजपुरुष में राजा का पुरुष, तो राजा का पुरुष का विभक्ति राजा षष्ठी विभक्ति का लोप होता है। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाता है और इसी प्रकार से इसके नियम है। अब नियमों में पहला नियम है, इसमें जो पहला नियम है वो है इस समास में समस्त पद बनाने के लिए
इस समास में समस्त पद बनाने के लिए बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। बीच की विभक्ति विभक्ति का लोप हो जाता है। इस समास में समस्त पद बनाने के लिए बीच की विभक्तियों का लोप, समस्त पद बनाने पर इस समास में समस्त पद बनाने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राज्ञ पुरुष है तो यहाँ पर विभक्ति का लोप हो गया, तो हो गया राज पुरुष है। जैसे ग्राम गतः है, ग्रामम गतः तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, ग्रामम गतः। अब ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, जैसे समस्त पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा और लोप हो करके ग्रामम गतः, इस प्रकार से विभक्ति का लोप कर देते हैं। और दूसरा नियम है, समस्त पद का दीर्घ करने पर प्रथम पद यानी पहला पद विग्रह करने पर विभक्ति इसके पहले पद में जुड़ जाती है। विभक्ति इसके पहले पद में जुड़ जाती है। तो इसमें इस समास में समस्त पद बनाने पर बीज की विभक्ति का लोप हो जाता है और समस्त पद का विग्रह करने पर विभक्ति इसके पहले पद में जुड़ जाती है। अब इसका जैसे उदाहरण ले लो, जैसे ग्रामम गतः ये तो होगा इसका विग्रह, और ग्राम गतः इसका ये हो गया समास। ग्राम गतः और ये हो गया द्वितीय तत्पुरुष समास। इसमें द्वितीय विभक्ति का होगा द्वितीय तत्पुरुष समास। तो जैसे ग्रामम गतः द्वितीय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लो, विद्यालय 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 अब इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, इसमें विद्यालय षष्ठी तत्पुरुष
समास है। देखो यहाँ पर, देखो एक तो होता है समस पद और एक होता है समास विग्रह। समस पद में विभक्ति का लोप कर दिया जाता है तत्पुरुष समास में, और समास विग्रह करेंगे तो प्रथम पद में विभक्ति जोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर इस समास में समस पद बनाने पर, समस पद बनाएंगे तो बीच की विभक्तियों का लोप हो जाएगा। जैसे विद्यालय, इसमें षष्ठी विभक्ति है विद्याया में, तो इसका लोप हो गया। और तो समास विग्रह करेंगे, समस पद बनाएंगे तो विद्यालय, और समास विग्रह करेंगे तो प्रथम पद जो है उसमें विभक्ति लगा दी जाएगी, तो विद्या आलय कर दिया, तो ये समास विग्रह हो गया। तो इस समास में समस पद बनाने पर बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, और समस पद का जब विग्रह करने पर विभक्ति इसके पहले पद में जुड़ जाती है, जैसे ग्रामम गतः ग्राम गतः, और द्वितीय तत्पुरुष समास है इसमें, और विद्याया आलय विद्यालय, इसे षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अब इसके तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है, इसकी जो उदाहरण है वो देखो, कुछ उदाहरण लिख लो। तो यहाँ पर है समास का नाम समस्त पद, समास का नाम, और ये है समस्त पद, समस्त पद समास विग्रह, और हिंदी का अर्थ, हिंदी का हिंदी अर्थ। तो पहला है समास का नाम, और समस्त पद है समास विग्रह, और हिंदी में अर्थ। तो यहाँ पर समास का नाम है द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष ये भयं प्राप्त। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है भय प्राप्त समस्त पद है, इसमें विभक्ति का लोप कर दिया, इसमें समास विग्रह जब किया तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगा दी, तो भयम प्राप्त, ये हो गया हिंदी में भय को प्राप्त। और हिंदी में अगर देखें तो इसमें को शब्द आया है, प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को द्वितीय विभक्ति में को चिन्ह आता है, तो इसमें देखा जाएगा तो भय को प्राप्त। यहाँ पर दूसरा है तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष, और तृतीय तत्पुरुष में है विद्याहीन, विद्याहीन ये आपका समस्त पद है, और विद्याहीन इसमें तृतीय विभक्ति है विद्याहीन, और हिंदी में अर्थ इसका विग्रह हुआ विद्याहीन,
और हिंदी में अर्थ है इसका विद्या से हीन, विद्या से हीन। तो यहाँ तृतीय विभक्ति है सेच नागा, प्रथमाकर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय कर्ण ने से के द्वारा, और इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास हस्तलेप यह इसका समस्त पद, और हस्तालेप ये इसका समास विग्रह है, और ये होगा हिंदी में हाथ के लिए लेप, हाथ के लिए, और ये आ गया लेप, हाथ के लिए लेप। चतुर्थी तत्पुरुष, इसमें हस्तलेप ये है समस्त पद है, इसमें विभक्ति हटा रखी है, और हस्तालेप इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई है, हस्ताय समास विग्रह किया तो, और हिंदी में इसका अर्थ किया हाथ के लिए लेप। तो चतुर्थी संप्रदान के लिए जिसके लिए आता है वह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और चौथा उदाहरण है पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष में पाप मुक्त यह आपका समस्पद, और पापाद मुक्त ये इसका विग्रह है, समास विग्रह, पाप से मुक्त पंचमी अपादान अलग होने के अर्थ में, पंचमी अपादान से चिन्ह आएगा तो से पद लगाएगा, पंचमी विभक्ति है। और पांचवा उदाहरण है षष्ठी तत्पुरुष, राम भक्त, रामस्य भक्त, इसका विग्रह है, और हिंदी में देखोगे हिंदी में अर्थ तो राम का भक्त षष्ठी संबंध काके की रारेरी, षष्ठी विभक्ति प्रयोग किया गया है। हिंदी में देखोगे तो काया है, का चिन्ह है, इससे पता लगेगा राम का भक्त। और एक उदाहरण है सप्तमी तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास में अगर समस्त पद बनाएंगे तो जल लीन बनेगा, जल लीन, और इसका समास विग्रह करोगे तो विभक्ति लग जाएगी सप्तमी, तो जले लीन हो जाएगा, जले लीन, और जब इसका हिंदी अर्थ करोगे तो जल में लीन हो जाएगा। तो सप्तमी अधिकरण में पेपर में चिन्ह आया जल में लीन। तो ये आपके उदाहरण हैं विभक्तियों के, और इसी के साथ में इसमें जो है जिस विभक्ति का लोप होता है, अगला नियम है आपका तीसरा नियम है समस्त पद में जिस विभक्ति का लोप होता है, समस्त पद में समस्त पद में जिस विभक्ति का लोप होता है
इसको ऊपर लिख देंगे, समस्त पद में समस्त पद में जिस विभक्ति का लोप होता है समस्त पद में जिस विभक्ति का लोप होता है वह उसी के नाम से तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। तो ये आपके तत्पुरुष समास के बारे में बताया हमने। तो इसमें विभक्ति हटाई जाती है, विभक्ति लगाई जाती है। अगर समास विग्रह है तो समास विग्रह से समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति को हटा देते हैं, और समस्त पद से समास विग्रह बनाएंगे तो उसमें विभक्ति लगा जाएंगे। तो यहाँ विभक्ति लगाई जाती है और विभक्ति हटाई जाती है। और जिस विभक्ति को हम हटाते हैं समस्त पद में, जिस विभक्ति का लोप होता है वह उसी के नाम से तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे हमने षष्ठी विभक्ति का लोप किया तो षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ, हमने पंचमी विभक्ति का लोप किया तो पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। हाँ, जैसे राम भक्त है, राम भक्त जैसे है राम भक्त, अब इसमें रामस्य भक्त षष्ठी विभक्ति का लोप किया है। कौन सी विभक्ति का लोप किया है? षष्ठी विभक्ति का। तो इसमें रामस्य भक्त, रामस्य भक्त राम का भक्त, तो ये समास, इस समास में समस्त पद में षष्ठी विभक्ति का लोप होता है। इस समास में समस्त पद में षष्ठी विभक्ति का लोप होता है इसलिए यह समास षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा, षष्ठी तत्पुरुष कहलाएगा। तो यहाँ समस्त पद में जिस विभक्ति का लोप होता है वह उसी के नाम से तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राम भक्त, रामस्य भक्त, राम का भक्त, इस समास में समस्त पद में षष्ठी विभक्ति का लोप होता है इसलिए यह समास षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास कहलाएगा। समास कहलाएगा। तो मैंने आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया। तत्पुरुष समास में प्रथम पद जो है उसमें विभक्ति का लोप किया जाता है और इसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। और इसी के साथ में हम
कल जो बताएंगे वो अव्ययभावी समास के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।